ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। सुपौल सदर बाजार में उस समय अफरा तफरी के माहौल हो गया जब लॉकडाउन के दौरान स्टेशन चौक पर लगी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक रिक्शा वाले पर लाठी चटका दी। आरोप है कि लाठी लगने से रिक्शा चालक घायल हो गया। जैसे रिक्शा वाले के साथ पिटाई के मामला आया, आसपास के तमाम ठेला वाले गोलबंद होकर पुलिस के विरोध में मोर्चा खोलते हुए सड़क जाम कर दिया। पुलिस जाम हटाने आई तो उस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव भी कर दिया, पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, वहीं दूसरी तरफ एक रिक्शा चालक भी घायल हो गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल सुपौल स्टेशन पहुंची है। वहीं सदर SDM और मुख्यालय DSP के सख्ती के बाद माहौल शांत हो सका। फिलहाल जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बातें कह रहे हैं। जो बाजार बंद कराने का समय है उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने, किसी बंद कराने के लोग बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय जिला उनके साथ झड़प हो गई थी और कुछ रात में मार्केट की वाली घटनाएं नहीं हुई है, उसी बंद करवाने में हल्का झड़प हुआ है। हमले की पहले से तैयारी थी, कहीं पत्थर वहाँ बरामद हुए पत्थर, ऐसा देखिए जो अभी हम लोग देखें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूर्व से तैयारी था, ये अचानक ही सारी बात हो गई। जब झड़प हुआ उसी के बीच में तो आपस में कहासुनी पे बढ़ गई बात। जवान भी घायल हुआ है सर? हल्की चोट लगी है, एक हमारे पुलिस जवान को भी चोट लगी है, एक उधर से भी ठेला उधर को हल्की चोट लगी है। वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे? क्षतिग्रस्त नहीं, हल्का शीशा टूटा है एक का, जो उस समय ठेला बेचने वाले लोग थे उसी में आक्रोशित होकर उन्होंने कुछ किया है, जिसका जो जवान है घायल हुए, एक जवान घायल हुआ है हमारा, हल्का चोट लगा है, एक ठेला वेंडर को भी हल्की चोट लगी है। दोनों का सदर अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ड्राइविंग करते थे क्या नाम हुआ आपका? जय कृष्ण यादव।